हमारी भोजपुरी हीरोइनों को कहा जाता है कि अंग प्रदर्शन कर रही हैं। क्यों हमारी भोजपुरी हीरोइनों को सीरियस नहीं लिया जाता और क्यों हमारी भोजपुरी हीरोइनों पर हमेशा अश्लीलता के आरोप लगते हैं। जी हाँ, भोजपुरी हीरोइनों को लेकर कुछ अफवाह और कुछ मिथ हमेशा से हमारे बीच रहे हैं। हमारे बीच क्या, आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना, अगर कोई जाना माना नाम भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करता है तो उसे बड़े हेय दृष्टि से देखा जाता है। जबकि अगर भोजपुरी के गोल्डन पीरियड को देखें तो भाई यहाँ बड़े बड़े नामचीन लोगों ने काम किया है, फिर वो चाहे पद्मा खन्ना रही हो, अमिताभ बच्चन रहे हों या फिर नासिर साहब रहे हों। लेकिन अगर आप किसी नामचीन व्यक्ति को उसकी फिल्म को भोजपुरी से कंपेयर कर दिया तो वो उसे अपनी तौहीन समझता है। सेम थिंग हमारी हीरोइनों के साथ भी यही होता है। भोजपुरी हीरोइनों को सीरियसली नहीं लिया जाता, लेकिन ये जानकर आपको बहुत बड़ी हैरानी होगी कि हमारी भोजपुरी हीरोइनें जहाँ भी जाती हैं भाई अपने नाम का पंचम लहरा कर आती हैं। फिर ऐसा क्यों होता है, आज इन्हीं सब बातों पर हम थोड़ी रोशनी डालेंगे। कभी एक वक्त था जब हमारी भोजपुरी हीरोइनें अपनी सभ्यता और संस्कृति को दिखाती थी, साड़ी में लिपटी हुई रहती थी और सकुचाई हुई अपना करिश्मा दिखाती हुई आई हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब भोजपुरी हीरोइनों को लेकर सिर्फ बात अश्लीलता, छोटे कपड़ों या फिर सीरियस न लेने तक रह गई है। ये दौर क्यों आया भोजपुरी हीरोइनों के लिए, जबकि भोजपुरी में नगमा, भाग्यश्री जैसी कई हीरोइनों ने काम किया है। आपको बता दें कि जब भोजपुरी इंडस्ट्री एक तरह से पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी और फिर से इसका पुनरुत्थान हुआ तो यहाँ पर कई ऐसे मिथ टूटे जो कि भाई भोजपुरिया दर्शकों के बीच ऐसे परोसे गए कि ऐसा लगा कि भोजपुरिया दर्शक सिर्फ यही चाहता है। जी हाँ, अगर आप ध्यान दें कि जब भोजपुरी इंडस्ट्री रीबिल्डअप हुई, यानी कि फिर से इसका पुनरुत्थान हुआ, तब हीरोइनों की तो पूरी परिकल्पना ही बदल गई। हीरोज भी बदले, लेकिन हीरोज में बदलाव थोड़े कम आए, लेकिन हीरोइनों के परिधान से लेकर बोलचाल से लेकर अरे उनकी तो शर्मो हया तक सिर्फ दर्शकों के नाम पर ये कहकर हटा दी गई कि भोजपुरिया दर्शक सीरियस मूवी नहीं चाहता, भोजपुरिया दर्शक अंग प्रदर्शन चाहता है, भोजपुरिया दर्शक हीरोइनों को छोटे कपड़ों में ही पसंद करता है। जितना रिवीलिंग कपड़े आप पहनेंगी, जितना तड़कता भड़कता और जितने कम कपड़ों में आप डांस करेंगी वही फिल्में हिट होती हैं। यहाँ पर हर एक फिल्म में ऐसा तड़कता भड़कता आइटम सॉन्ग रखा गया जिसकी कभी ज़रूरत न थी। हाँ, आइटम सॉन्ग की ज़रूरत बॉलीवुड फिल्मों में तो होती थी क्योंकि फिल्म को इतना लेवल का बनाया जाता था। ये माहौल तब तक ठीक था जब आइटम नंबर के लिए अलग से एक्ट्रेस होती थी और फिल्म के लिए अलग से, लेकिन ये मामला तब और बिगड़ गया जब फिल्म की एक्ट्रेस ही आइटम नंबर करने लगी, फिल्म में हीरोइन का मेन लीड कैरेक्टर करने लगी। दर्शकों को ये समझना मुश्किल हो गया कि ये हमारी हीरोइन है या फिर एक आइटम डांसर। यहीं से हीरोइनों को सीरियस लेना बंद कर दिया भोजपुरी दर्शकों ने। अब हीरोइन सिर्फ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट का पात्र बनकर रह गई और इसके लिए जिम्मेदार भी हमारी भोजपुरी हीरोइनें ही हैं। अगर आप कटोरी में परोसे हुए खाने से ही संतुष्ट हो जाएंगी तो थाली में परोसे हुए खाने का आनंद आप कैसे उठा पाएंगी, यानी कि आप जितने ही छोटे तालाब में रह जाएंगी आपको बड़े तालाब का अंदाज़ा कैसे होगा। पैसे और शोहरत के चक्कर में भोजपुरी हीरोइनों ने अपने आप को पूरी तरह से गर्त में ढकेल दिया।
ना स्टोरी में उनका कोई रोल इतना अहमियत रखता है भोजपुरी में, और ना ही कभी किसी भोजपुरी हीरोइनों को अपने रोल के लिए लड़ते हुए देखा गया, ना ही कंगना रनौत की तरह खड़े होते देखा गया, और ना ही विद्या बालन की तरह सीरियस रोल करते हुए देखा। जो मिल गया जिसे जैसे मिल गया, भाई नहीं मिला तो लॉबिंग करके मिल गया, उसमें ही खुश रहना हमारी भोजपुरी हीरोइनों ने सीख लिया है। ये बात कड़वी ज़रूर लगेगी, लेकिन आजकल की भोजपुरी हीरोइनों को जैसा मिल रहा है वो उसमें ही खुश हैं, फिर वो चाहे उन पर अश्लीलता का आरोप लगे या छोटे कपड़े पहनने का आरोप लगे या फिर अंग प्रदर्शन का आरोप लगे या फिर बॉडी शेमिंग हो, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें फ़र्क सिर्फ इस बात का पड़ रहा है कि उन्हें पैसे कैसे मिल रहे हैं, उनका नाम कैसे हो रहा है और उनकी झोली में कितनी फिल्में हैं कि आगे चलकर वो कितनी फिल्में और कितने सालों में कर सकती हैं। ना कि उन्हें अपने रोल की ड्यूरेशन से कुछ लेना देना है और ना ही फिल्म में कितना सीरियस रोल कर रही हैं इससे लेना देना है। अगर लेना देना होता तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में आज कोई कंगना रनौत होती, कोई विद्या बालन होती और कोई माधुरी दीक्षित होती। इसी तरह से आज आई हैं और कल चली जाएंगी, शायद इन्हें जानने वाला कोई नहीं होता। अगर जानने वाला होता तो कहीं ना कहीं हमारी भोजपुरी हीरोइनें आज अपने आप को साबित करते नज़र आती, ना कि हीरोज़ के अगल बगल दिखती, एक हीरो के पीछे दो दो हीरोइनें फिदा हुई रहती। ये कहने के लिए कि हमें रोल ऐसे ही मिल रहे हैं, ये कहने के लिए कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे सामने इसी तरह से हैं, ये कहने के लिए कि ये मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। भाई मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री साउथ की भी है, हमारी बॉलीवुड की भी है, तो हर हीरोइन का रोना है, चाहे वो बॉलीवुड की नंबर वन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ही क्यों ना हो। दीपिका ने भी कई इंटरव्यू में ये रिवील किया है कि हीरोइनों को कम पैसे मिलते हैं, हीरो को ज़्यादा, यहाँ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, और यही कुछ भाई हमारी साउथ की हीरोइनें भी कह चुकी हैं। लेकिन क्या वो अपने रोल के साथ इतना कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं जितना हमारी भोजपुरी हीरोइनें करती हैं? सो प्लीज़, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।